YouTube चैनल किस कैटेगरी में रखें। आज की वीडियो में जो कि हम लोग बात करने वाले हैं कि YouTube पे कौन से वीडियो जो कि किस कैटेगरी में रखना चाहिए। तो आप लोग में से हमेशा जो कि कमेंट आता है कि मेरा जो कि कुकिंग का चैनल है, मेरा जो कि गेम का चैनल है, मेरा जो कि हाउ टू का वीडियो है, ये सब जो कि किस कैटेगरी में आता है, ये सब जो कि आज हम लोग डिटेल से जो कि समझने वाले हैं। इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो कि देखने के लिए जो कि इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इसी तरीके के यहाँ पर वीडियो आते रहता है। तो इसी तरीके के वीडियो है जो कि लोग है जो कि पेड वीडियो बेचते हैं और पर जो कि आपको फ्री में जो कि इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो जो कि आपको यहां पे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी के बारे में। तो YouTube पे है जो कि आपको 15 कैटेगरी में जो कि बांटा गया है। कैटेगरी भी है जो कि आपके चैनल के लिए है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो है जो कि एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑडियंस है जो कि वीडियो देख रहा है, अगर आपका कैटेगरी गलत रहेगा और आपका है जो कि वीडियो गलत है, फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन का वीडियो है, आप इंटरटेनमेंट में अगर आप रखिएगा एल्गोरिदम के हिसाब से, तो वो सजेस्ट करेगा किसको, कार्टून वाले को, कॉमेडी वाले को, मगर वो क्या है, एजुकेशन। जब आदमी कॉमेडी देखने के मूड में रहेगा उस समय जो कि एजुकेशन का जब वीडियो आ जाएगा सामने तो वो देखेगा, नहीं देखेगा। YouTube का जो एल्गोरिदम है इसको भी आपको समझाने के लिए कैटेगरी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसीलिए जो कि YouTube पे कैटेगरी बनाया गया है। जो भी कैटेगरी में रहेगा तो उस कैटेगरी से रिलेटिव जो भी ऑडियंस वीडियो देख रहा उसको है जो कि आपका वीडियो सजेस्ट किया जाएगा कि हाँ इस तरीका के, अगर कोई एजुकेशन का वीडियो देख रहा है तो उसको एजुकेशन का सजेस्ट करेगा कि, या आप देखते भी होंगे कि आप जिस तरीके के आप YouTube का अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको YouTube से रिकॉर्डिंग जो भी चैनल है उसका जो कि वीडियो वहां पे सजेस्ट किया जाता है, तो वो कैटेगरी डिफाइंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी। उसके साथ साथ यहां पर जो कि अगर हम लोग YouTube के कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो कि YouTube जो है 15 कैटेगरी में जो कि डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी है जो कि यहां पे जो कि ऑटो एंड व्हीकल, तो ऑटो एंड व्हीकल में आ जाता है फोर व्हीलर से लेकर के टू व्हीलर। अगर आप टू व्हीलर से रिकॉर्डिंग या फोर व्हीलर से रिकॉर्डिंग कब लॉन्च हुआ है या इसका बेनिफिट क्या है, किसी भी तरीका के इसका रिव्यू दे रहे हैं, इसके बारे में अगर आप डिटेल से वीडियो बनाते हैं, या आप इस कंपनी में काम करते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर के, इससे रिकॉर्डिंग जो भी आप वीडियो बनाते हैं वो सब है जो कि आपको ऑटो एंड व्हीकल का कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो कि नेक्स्ट है जो कि कॉमेडी का चैनल है। कॉमेडी का चैनल में हो गया कि आप किसी भी तरीका के कॉमेडी हो, एनिमेटेड कॉमेडी हो या ह्यूमर का कॉमेडी हो या किसी भी तरीका के कॉमेडी हो जिसमें जो कि लोगों को आप हंसा रहे हैं, यानी कि अगला जो भी ऑडियंस है उसको जो कि आप हंसा रहे हैं, तो वो जो कि कॉमेडी में आ जाएगा। उसके बाद जो कि नेक्स्ट है जो कि इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में जो कि किसी भी तरीका के वीडियो हो, फॉर एग्जांपल कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर जो कि प्राकृतिक आपदा हो गया, इस तरीका के जो भी वीडियो होता है वो जो कि इंटरटेनमेंट में आता है। उसके अलावा जो कि नेक्स्ट है जो कि फिल्म एंड एनिमेशन, फिल्म एंड एनिमेशन में जो कि यहाँ पर जो कि दो चीज़ें जो कि आपको ध्यान देने वाला चीज़ है, वो कैटेगरी आता है जो है जो कि पूरा फिल्म बना हुआ हो वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा जो कि फिल्म से रिकॉर्डिंग जो BTS होता है वो आ गया है। उसके अलावा जो कि यहाँ पर जो कि फिल्म के बारे में जो बताया जा रहा है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। फिल्म से रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो कि एनिमेटेड चीज़ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या एनिमेटेड चीज़ आप जो कर रहे हैं या वहाँ पर जो कि बना रहे हैं वो चीज़ें जो कि आप यहाँ पर कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि गेमिंग, गेम के रिगार्डिंग जो भी वीडियो बनाते हैं वो सब है जो कि गेमिंग में आ जाएगा। आप गेमिंग के बारे में बता रहे हो या गेम खेल रहे हो या गेम को किसी भी तरीका से गेम को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो जो कि गेम में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो कि नेक्स्ट है जो कि म्यूजिक, म्यूजिक में जो कि किसी भी तरीका के म्यूजिक है वो जो कि म्यूजिक में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी तरीका का हारमोनियम हो या तबला हो जो सीखने वाला हो या जो म्यूजिक सिखा भी रहे हैं तो वो जो कि म्यूजिक में ही आ जाएगा। उसके अलावा जो कि नेक्स्ट है जो कि एजुकेशन, बच्चा से लेकर के आप यहाँ पर जो कि जितना भी 10th 12th है उसको ITI ग्रेजुएशन जो सबको है जो कि आप यहाँ पर जो कि आप एजुकेट कर रहे हैं वो है जो कि एजुकेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके वीडियो से किसी को भी आप सिखाने का कोशिश कर रहे हैं वो है जो कि एजुकेशन का ही कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल ये भी वीडियो है, ये भी है जो कि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, यानी कि आपकी वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरीका की इन्फॉर्मेशन हो, वो है जो कि एजुकेशन का कैटेगरी में आ जाता है। तो नेक्स्ट है हाउ टू एंड स्टाइल, तो ये जो कि काफ़ी ध्यान से देखिएगा, इसमें दो चीज़ें है ना, तो यहाँ पर जो कि जितना भी कुकिंग का चैनल है या जितना भी ब्यूटी का चैनल है वो है जो कि इसी में आ जाएगा। अगर आप
कुकिंग में किसी भी तरीका के कुकिंग कर रहे हो तो वो है जो कि आप यहाँ पे हाउ टू स्टाइल इसी में आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ब्यूटी का है, अगर आप ब्यूटी करके दिखा रहे हैं या पहन के दिखा रहे हैं तो यहाँ पे स्टाइल आ जाता है। तो यहाँ पे हाउ टू में आपको किचन और या ब्यूटी, ये दोनों है जो कि यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि न्यूज एंड पॉलिटिक्स, ये जो कि नाम से ही पता चल रहा है जितना भी करेंट न्यूज है या पॉलिटिक्स से रिलेटिव न्यूज है या पॉलिटिक्स से रिलेटिव अगर आप वीडियो बनाते हैं या पॉलिटिक्स से रिलेटिव आपका जो भी ओपिनियन है वो सभी जो कि अगर आप देते हैं तो ये सभी जो कि न्यूज एंड पॉलिटिक्स में आपका कैटेगरी जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो कि नेक्स्ट है पेट्स एंड एनिमल, ये कैटेगरी है जो कि आपको नाम से भी पता चल रहा है कि पेट्स एंड एनिमल आप किसी भी तरीके के पालतू हो या जंगली जानवर हो अगर आप इसके बारे में अगर आप बताते हैं तो वह जो कि पेट्स एंड एनिमल के कैटेगरी में आ जाएगा। या तो आप इसके दवा के बारे में बता रहे हो या इसके खाने के बारे में बता रहे हो या इसके स्टाइल के बारे में बता रहे हो या इसको आप घर में जो कि इसको पाल सकते हैं इसके बारे में बता रहे हो, किसी भी तरीका से अगर आप पेट्स और एनिमल से रिलेटिव या पक्षी जो भी है ये सब से रिलेटिव अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये सब है जो कि आपको पेट्स एंड एनिमल के कैटेगरी में जाएगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि पीपल एंड ब्लॉग, इसको जो कि आप काफी ध्यान से जो कि देखिएगा। देखिए पीपल एंड ब्लॉग यहाँ पर भी ये जो कि दो चीज़ है, जो भी आप डेली ब्लॉग बनाते हो या आप कहीं भी किसी भी तरीका का अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पर जो कि आप ये कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट के बारे में बता रहे हो या वेबसाइट का जो कि आप रिव्यू कर रहे हो या वेबसाइट लिख रहे हो उससे रिकॉर्डिंग अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो भी है जो कि आपको पीपल एंड ब्लॉग में ही डालना पड़ेगा। इसके अलावा जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है कि वो जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे ऐसे चैनल है या बहुत सारे ऐसे लोगों से हमें बात होता है जो कहते हैं कि मेरा जो कि इस तरीका की यूट्यूब का या कि इस तरीका के जो कि हम इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं वो जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रख ले रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि साफ इसी तरीका से पता चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस का मतलब कि विज्ञान, जो भी आप साइंस से रिलेटिव है जो कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो या पढ़ते हो या पढ़ाते हो वो सब है जो कि आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी में होगा कि जितना भी लेटेस्ट ग्रेजेट जो अनबॉक्सिंग होता है, जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन हो या आपकी टीवी, किसी भी तरीका के आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटिव अगर आप वीडियो बना रहे हैं या आप बता रहे हैं तो वो जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। उसके अलावा जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि वो है जो कि स्पोर्ट का कैटेगरी, स्पोर्ट के कैटेगरी में है जो कि सेम उसी तरीका से काम करता है, स्पोर्ट से रिलेटिव अगर आप सिखा रहे हो या बता रहे हो या आप कहीं गए हैं उसका जो कि आप वीडियो बना रहे हो तो वो सब जो कि स्पोर्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि ट्रेवल एंड इवेंट, इसमें जो कि दो सेंटेंस है ट्रेवल और एक है जो कि इवेंट। तो यहाँ पे जो कि ट्रेवल और इवेंट में जो कि सबसे पहले जो कि हम लोग ट्रेवल समझते हैं, ट्रेवल में जो कि जो भी ट्रेवल आप कर रहे हो या आप ट्रेवल के लिए अगर आप वीडियो बना रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इंडिया से जो कि श्रीलंका जाना है या इंडिया से जो कि नेपाल जाना है या इंडिया से जो कि किसी भी कंट्री में जाना है या आप इंडिया में ही आप यहाँ से यहाँ जो कि आपको किस तरीके से जाना चाहिए या कि क्या क्या सुविधा होता है ये सभी के बारे में अगर आप बता रहे हैं सिखा रहे हैं या आप जा रहे हैं तो वो सब है जो कि आप ट्रेवल एंड इवेंट में डाल सकते हैं। इवेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीका के जो कि बड़ा बड़ा जो कि इवेंट अगर आप कराते हैं वहाँ का जो कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो सब है जो कि यहाँ पर ट्रेवल एंड इवेंट में जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविस्ट, इसमें जो कि नाम से ही पता चल रहा है किसी भी तरीके का आप एनजीओ चलाते हैं या वृद्धाश्रम चलाते हैं या कुछ भी आप इस तरीके का चलाते हैं तो यहाँ के अगर आप वीडियो बनाते हैं या आप जानवर से रिकॉर्डिंग है जो कि अगर आप एनजीओ बनाते हैं तो ये सभी से रिकॉर्डिंग अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये सभी जो कि आपको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं ध्रुव राठी का, तो इनका भी चैनल जो कि नॉन प्रॉफिट एक्टिविस्ट में आता है, ये जो कि कोई भी मुद्दे पे जो कि ये डिटेल में जो कि इसके बारे में जो कि लोग को जो कि एजुकेट करते हैं, लोग को जो कि बताते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, तो ये जो कि इसी कैटेगरी में आता है। उसके अलावा एक चीज और हम आपको बोनस के तौर पे जो कि बता देते हैं कि देखिए किसी भी तरीका का अगर आप ट्यूटोरियल बना रहे हो तो अगर आपके वीडियो में हाउ टू लग रहा है तो वो है जो कि आप एजुकेशन में जा करके वहाँ पर है जो कि आपकी हाउ टू आपको सिलेक्ट करने का या आप 10th 12th जो पढ़ा रहे हैं वो है जो कि आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो वहाँ पर जो कि आप हाउ टू सिलेक्ट कर लें, उसके नीचे वाले कैटेगरी में जो कि आप अदर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद जो कि आप यहाँ पर नेक्स्ट कर करके जो कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन से वीडियो जो कि किस कैटेगरी में रखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरीका के नॉलेजेबल वीडियो जो कि आपके लिए यहाँ पे आते रहता है।